दोस्तों आज हम बात करने वाले ऐसे कॉलेज की भाई ROI में इसके ऊपर कोई नहीं है इंडिया में। ROI में बेस्ट कॉलेज है, दिल्ली में कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस में कॉलेज है। दो तीन चीज़ें इसकी ख़राब है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, बट दिस इज़ द बेस्ट कॉलेज फॉर ROI। इसे रेड बिल्डिंग ऑफ ड्रीम्स माना जाता है। मार्केटिंग के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट कैंपस है, मतलब एज गुड एज आई एम अहमदाबाद है। हमेशा से ही मार्केटिंग के लिए FMS काफ़ी अच्छा रहा है, हमेशा से ही। तो एलुमनाई मार्केटिंग में बहुत आगे गए हैं, इसलिए वो खुद इंश्योर करते हैं कि मार्केटिंग प्लेसमेंट हमेशा अच्छा हो। हम FMS दिल्ली को हमारे पैरामीटर्स पे नापेंगे, जो है क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर, सैलरी और ROI। ROI को मैंने पहले बता ही दिया कि काफ़ी अच्छा है, डिटेल में बताता हूँ। कुछ और चीज़ें इसमें मैं बताऊँगा जो FMS दिल्ली का USP है लेकिन नेगेटिव है। पॉजिटिव तो मैंने बता दिया कि मार्केटिंग है इसका बेस्ट, यू नो, स्पेशलाइजेशन, और ROI बहुत ही तगड़ा है। लेकिन इसी में नेगेटिव आ जाता है, जब भी किसी कॉलेज का ROI तगड़ा है ना, तो कहीं ना कहीं तो मात खा रहा है, क्योंकि तभी उसमें फ़ीस कम है, राइट? मतलब FMS में क्या है ना, कैंपस लाइफ सबके लिए नहीं होती, बहुत लोग हॉस्टल के बाहर रहते हैं। तो वो जो एक कैंपस लाइफ होता है ना, कि आप एक कैंपस के अंदर हो और वही एक दुनिया है, वो FMS में नहीं होता। बहुत लोग FMS को FMS के नाम से नहीं जानते। मैं नॉर्थ कैंपस में रहा हूँ, दिल्ली में हुडा सिटी सेंटर में मैं रहता था, जो नॉर्थ कैंपस के पास है। जब भी मुझे FMS के पास जाना पड़ता था, मुझे किरोड़ीमल बोलना पड़ता था कि भैया किरोड़ीमल चलिए, रिक्शे वाले को। FMS बोलते थे तो रिक्शा वाला नहीं जाता था, बोलता था किरोड़ीमल ले जाऊंगा। FMS वाले भी जो सुन रहे हैं वो जानते होंगे कि वो कभी कभी बोलते हैं कि किरोड़ीमल ले चलो। भाई FMS ज़्यादा पॉपुलर कॉलेज है, किरोड़ीमल तो यार उतना है नहीं, मतलब इन द इंडस्ट्री। बट ऐसा क्यों है ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि कैंपस थोड़ा छोटा है, कैंपस लाइफ नहीं है। तो अगर किसी को दिल्ली में रहना है, फ्लैट में रहना है, दिल्ली से रह के MBA करना है, उसके लिए पॉजिटिव है। पर अगर आपको कैंपस लाइफ चाहिए, आपको इंदौर, कोहिकोर जैसे जगह में आउटस्कर्ट्स में कैंपस के अंदर रहना है, तो ये एक नेगेटिव है, ठीक है? इट्स अबाउट व्हाट यू वांट। अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स की। दोस्तों क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स में मैंने बताया कि भाई 5 of 5 मार्केटिंग में दे देते हैं, क्योंकि मैंने आपको रीज़न बता दिया। इट हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी गुड कॉलेज फॉर मार्केटिंग। यू विल फाइंड ऑल द प्रेवेलेंट FMCG ब्रांड्स एंड ई कॉमर्स कंपनीज गिविंग मार्केटिंग प्रोफाइल्स। FMCG प्रोफाइल्स जनरली जो अच्छे मिलते हैं वो एरिया सेल्स मैनेजर मिलता है, मैनेजर ट्रेनिंग। ई कॉमर्स के जो प्रोफाइल्स में तो कैटेगरी मैनेजर का मिलता है, दोनों मिलेंगे, तो 5 on 5। कंसल्टिंग की बात करें तो पहले FMS थोड़ा पीछे था कंसल्टिंग में दोस्तों, लेकिन अभी कुछ सालों से यहाँ आपको BCG, एक्सेंचर, स्ट्रैटेजी सारी कंपनीज मिलेंगी। तो मैं इसे कंसल्टिंग में 4.5 out of 5 दूंगा, 5 out of 5 दूंगा, क्योंकि ABC से थोड़ा नीचे है। ABC में और ज़्यादा मिलती है, और मान लो BCG आ भी रहा है तो ABC में तो बहुत उठाते हैं वो लोग, FMS से उतना अभी भी नहीं उठाते। बट यार 4.5 out of 5, क्योंकि हमेशा इंप्रूव कर रहा है कंसल्टिंग में, अपना वीक पॉइंट दूर कर रहा है FMS। बात करें फाइनेंस और ऑपरेशंस की, फाइनेंस में मैं इसे थोड़ा कम रेटिंग दूंगा, ओनली स्पेशलाइजेशन है जिसमें थोड़ा वीक है। फाइनेंस में दोस्तों IIMs का थोड़ा वो है, IIMs का ही एक क्या बोलते हैं, मतलब डोमिनेशन है। FMS का फाइनेंस थोड़ा वीक है, इंप्रूव कर रहा है, बट नंबर्स में और ब्रांड्स में हमेशा पीछे रहता है, इसलिए 4 out of 5 दिया जाएगा। आपको सारे कंपनीज मिलेंगी, गोल्डमैन सैक्स, JP Morgan, और वो कम नंबर में उठाएगी, कभी कभी एक आएंगी तो दूसरी नहीं आएंगी। ये फाइनेंस का थोड़ा सा सीन है FMS में। ऑपरेशंस में अगेन FMS बहुत बढ़िया है, इसे 4.5 out of 5 दूंगा, 5 नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ कॉलेजेस जो ऑपरेशंस में ही स्पेशलाइज है, SP Jain, NEET, वहाँ ज़्यादा आपको मिलता है प्रोफाइल्स, IIT Bombay, बट कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पे कम लोग कम्पीट करेंगे, है ना, तो आपके लिए ज़्यादा फायदा भी होगा, इसलिए 4.5 out of 5। दोस्तों नेक्स्ट पैरामीटर सैलरी, सैलरी में दोस्तों 5 out of 5, क्योंकि एवरेज सैलरी FMS का हमेशा से अच्छा रहा है। भले ही अगर फाइनेंस की एक दो कंपनी नहीं आ रही है, उससे एवरेज सैलरी में फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? सैलरी देखा जाए तो सेम रहेगा, इन हैंड जो आप लेकर निकलोगे अहमदाबाद, बैंगलोर से, FMS से सेम रहेगा, बल्कि FMS वाला तो ज़्यादा खुश रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि FMS वाला जल्दी गाड़ी ले सकता है निकलते। मैं क्यों गाड़ी बोल रहा हूँ, एक तो कहने का तरीका है, क्योंकि उसके पास लोन नहीं है। जितना EMI एक IIM अहमदाबाद बैंगलोर वाला लोन में चुकाएगा, उतने 2 गाड़ियाँ आ जाएंगी भाई FMS से। तो 5 on 5 out of salary एंड सेम अगेन एज आई सेड ROI, फीस बहुत कम है, 2 से 3 लाख में इसका पूरा फीस हो जाता है, और इसी कारण से अगर आप हॉस्टल में रहो तो बाहर रहोगे तो थोड़ा खर्चा रहेगा, इसी कारण से मैं इसे ROI में तो 5 out of 5, अगर मुझे 5.5 out of 5 देना होता तो वो भी दे देता दोस्तों। ओवरऑल वर्डिक्ट की बात करें, FMS को मैं 4.5 out of 5 दे रहा हूँ, थोड़े नंबर सिर्फ इसीलिए काट रहा हूँ क्योंकि यहाँ का कैंपस लाइफ थोड़ा सा कमज़ोर है कंपेयर टू अदर IIMs। बाकी कैंपसेस में पीयर इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, कैंपस लाइफ बहुत ही बढ़िया होता है। जो FMS में रहते हैं उन्हें मज़ा तो आता है, बट जिन्होंने वो लाइफ जीनी है वो पता नहीं लगा सकते, जिन्होंने वो लाइफ जिया है वही जानते हैं कि वो क्या मिल गया है उन्हें। ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग कॉलेज सर्च।